दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो गोला देख रहे हैं वो कोई बाहर सड़क में मिलने वाला गोला नहीं है, ये हमारे घर पे एकदम साफ पानी यानी कि आरओ वाटर की बर्फ से बना हुआ गोला है जो कि एकदम मस्त है। तो हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियोस और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस गोला मेकर मशीन के बारे में जो कि मैंने खरीदा फ्लिपकार्ट से। इसकी कीमत 400 रुपये से 500 रुपये के बीच में होती है और ये आपको अमेजोन में भी मिल जाएगी। और इन लोगों ने यहाँ पे इसकी MRP को बिगाड़ रखा है, पता नहीं ऐसा क्यों किया। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या ये मशीन लेने लायक है या नहीं और मैं इसे पूरी तरीके से टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा आपकी आंखों के सामने ताकि आपको मालूम चले कि इसे लेना है या नहीं। तो इसके साथ हमें मिलते हैं 6 स्टिक्स, एक मशीन कुछ ऐसी है, इसकी प्लास्टिक कुछ खास नहीं लग रही है जैसा कि मैंने सोचा था, इससे अच्छी प्लास्टिक हो सकती थी। और इसके साथ हमें मिले थे 3 कटोरे जिसमें मैंने पहले से ही बर्फ को जमा रखा है क्योंकि मुझे अभी वीडियो बनाना था, इसलिए 3 कटोरे मिले थे। तो कुछ ऐसी है हमारी मशीन और साथ में एक ग्लास, केवल एक ग्लास और एक इसके अंदर का एक हिस्सा कुछ ऐसे लगा हुआ होता है, उसे वहीं पे लगा छोड़ देते हैं हम लोग। तो ये इसका ढक्कन है जो कि घूमता है हैंडल, और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे खूब नोकेले पेंच लगे हुए हैं जो कि बर्फ को रोक के रखते हैं, तो इनसे बच के भी रहिएगा अगर आप लोग लेते हैं। तो चले इसमें बर्फ को लगाते हैं, फिट करते हैं और देखते हैं कि बर्फ निकलती है या नहीं और कितनी अच्छी तरीके से निकलती है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 कटोरे हैं, तीनों में मैंने बर्फ जमा दिया था, एक से बर्फ आपको बना के दिखाऊँगा, दो बाद में चुपके से खाऊँगा। और इन कटोरों से बर्फ निकालना भी काफ़ी आसान है, बस 1 मिनट के लिए छोड़ दो, आसानी से निकल आती है बर्फ। और हाँ, एक और बात ध्यान में रखने वाली है, हमें इस मशीन के साथ जो कटोरे मिले हैं उन्हीं में हमें बर्फ को जमाना है, अलग से नहीं, क्योंकि ये इसकी फिटिंग के ही हैं। और फिर इसके बाद इसे हमें ऊपर की तरफ ढकेलते हुए नीचे इसके हुक में फंसाना होगा, हो सकता है पहली बार कसने में आपको दिक्कत आए जैसे कि मुझे आ रही है, हालांकि बाद में मैं इसे आसानी से बंद कर ले रहा था, अभी पहली बार दिक्कत आ रही है हल्की सी और आपको हल्का डर भी लगेगा पहली बार इसे बंद करने में। ओहो, तो ये देखिए बंद हो जा, तो बंद हो ही गया फाइनली। तो पहली बार बंद करने में आपको दिक्कत आ सकती है, मैंने आपको दिखा दिया और ये हमारी मशीन बर्फ को घिसने के लिए तैयार है। तो चले नीचे कटोरी रखते हैं और घिसना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आती है या फिर आसानी से बर्फ हमारी घिस जाती है। तो चले देखते हैं, तो हमें इस मशीन से बर्फ घिसने में जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई, बस हल्के से ऊपर ताकत लगानी पड़ती है, अगर आप ऊपर ताकत नहीं लगाएंगे तो आपकी बर्फ बार बार स्लिप हो जाएगी। और ये देखिए कितनी ज़्यादा बारीक बर्फ निकल के आई है, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक बर्फ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी मशीन जिसका यूज़ करके हम लोग घर पर ही आसानी से घिसी बर्फ बना ले रहे हैं। मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके इसे खरीद सकते हैं। और अगर बात करी जाए इसे रेटिंग देने की तो मैं इसे दूंगा 10 में से 7.5 की रेटिंग,
और अगर इसके प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी होती और ये मशीन थोड़ी और ज़्यादा स्थिर यानी कि हिलने डुलने वाली कम होती तो मैं इसे 10 में से 8.5 की रेटिंग दे देता, क्योंकि वर्क तो अच्छा ही करती है। और ये देखिए हमारा आइस गोला बनके तैयार है। बस देरी इस बात की है कि इसमें हमें इसके ऊपर कोई फ्लेवर डालना है, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मेरा फेवरेट रू अफजा। आपका भी शायद यही फेवरेट होगा। आप लोग चाहें तो इस लकड़ी में लगा के खाएं, या फिर आप लोग चाहें तो इसके साथ जो कटोरी मिले हैं इसमें ही बर्फ को घिस लें और फिर इसमें रू अफजा या फिर अपना कोई भी मनपसंद फ्लेवर डाल के खाएं। तो क्या खाएंगे आप लोग? यम। तो बात कर लीजिए फाइनल कंक्लूजन की। तो अगर आपको इसका हल्का फुल्का ही इस्तेमाल है तो आप लोग इसे ले सकते हैं केवल घरेलू यूज़ के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे मैं खूब बाल्टियों भर आइसक्रीम बनाऊंगा तो हो सकता है कि आपकी एक या दो ही दिन में टूट के बिखर जाए। आप लोग इसे ले सकते हैं लेकिन घरेलू यूज़ के लिए ही। और ये इतनी बुरी भी नहीं है और ना ही ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं बर्फ को बना रहा था तो आप लोगों ने देखा था कितनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी, लग रहा था कि टूट ही जाएगी, लेकिन बर्फ बन ही गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने इस वीडियो में जाना इस बर्फ वाली मशीन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे।